हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रामर पोर्शन इन ब्राविया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर 4 फ्रॉम इंग्लिश रीडर कोर्स बुक, दैट इज द हाफ बिल्ट हाउस. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर दिस इन दिस चैप्टर सम चिल्ड्रन केम टू देयर ग्रैंड मदर टू स्पेंड समर हॉलीडेज एंड दे वेंट थ्रू अ एडवेंचर. नाउ वॉट काइंड ऑफ एडवेंचर दे faced or they enjoyed or they participated, so we have to read it. So let's start. The Chitneys children were enjoying their summer holidays with their grandmother Alpana Chitneys. So Chitneys is a surname. ये क्या है? एक surname है. तो कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपनी grandmother के पास आए हैं और उन grandmother का क्या नाम है? Alpana Chitneys. Grandmother's farm was an exciting place for Atharv and Neha and their cousins Disha, Dhruv and Dev. So who are the children who came to spend the summer holidays? They are Atharv, Neha aur unke jo cousin hain Disha, Dhruv aur Dev. Ye five children apni grandmother ke paas aaye hain summer holidays spend karne. The children always had plenty to do outdoors, climb trees, go swimming, fly kites or play football in the open meadow and sometimes even manage to have an adventure. तो इन बच्चों के पास बहुत सारा मतलब enjoyment है, बहुत तरीके से ये enjoy कर रहे हैं. वो कभी पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, कभी swimming के लिए जा रहे हैं, कभी kites fly कर रहे हैं, कभी football खेल रहे हैं. तो इस तरह से ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है ये कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है. इन द ओपन मीडो एंड समटाइम्स इवन मैनेज टू हैव एन एडवेंचर्स. ओपन मीडो मतलब बड़े बड़े मैदान. आप भी जब कभी अपने दादा दादी या नाना नानी के पास जाते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने और इन विंटर हॉलीडेज़, तो आपको भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि सिटीज़ में तो बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, हम वहाँ इन्जॉय नहीं कर पाते. लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, गाँव में की तरफ जाते हैं, तो वहाँ खुले खुले मैदान होते हैं, पेड़ होते हैं और बहुत सारी एरियाज ऐसी होती है जहाँ जाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है. हम टोटली वहाँ एंजॉय करते हैं. तो यही ये बच्चे कर रहे थे. वो कभी कुछ पेड़ों पर चढ़ रहे थे, स्विमिंग के लिए जा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, ऐसे बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. एंड समटाइम्स इवन मैनेज, और कभी कभी वो कुछ एडवेंचर भी कर लेते थे, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही रोमांचक होती, एडवेंचरस होती. नेक्स्ट पेज, लेट अस गो एंड एक्सप्लोर द बैम्बू ग्रोव आफ्टर टी टुडे. सो उनमें से एक बोल रहा है बच्चा कि चलो आज हम चाय के बाद, शाम की चाय के बाद हम बैम्बू ग्रोव चलते हैं. बैम्बू ग्रोव मतलब जहाँ बैम्बू के बहुत सारे ट्रीज हैं वहाँ चलते हैं. ग्रोव मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज. इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग. सो इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग. ओके, सो वो बोल रहे हैं कि शाम को थोड़ी ठंड भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा, तो आज हम बैम्बू ग्रोव की तरफ चलते हैं. सेड अथर्वा हु वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. सो अथर्वा हु वॉज 11 ईयर्स ओल्ड ही टोल्ड कि लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द बैम्बू ग्रोव. वो उसने कहा कि चलो आज हम बैम्बू ग्रोव के वहाँ चलते हैं. He was oldest, so he decided what everyone would do. तो जो अथर्व है वो सभी कजिन्स में से, सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ा था, तो वही डिसाइड करता था कि क्या करना चाहिए. देव द यंगेस्ट वॉज जस्ट 8, और उनमें सबसे छोटा कौन था? देव, जो कि 8 ईयर्स का था. बट ही ऑलवेज सेड आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. लेकिन वो हमेशा कहता था कि मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ. The children got on their bicycles. Be careful, their children said grandma. तो बच्चे अपनी उन्होंने साइकिल निकाली और वो चल पड़े. तब grandma ने कहा कि बच्चों अपना ध्यान रखना. Yes grandma, we will be careful, we promise, said Atharva. तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो grandma, हम सब अपना ध्यान रख लेंगे. It was 5 o'clock in the evening. On the way to the bamboo grove, they noticed a house that was only half built. सो इट वॉज 5 o'clock इन द इवनिंग. इट मीन्स शाम के 5 बजे थे और जब वो रास्ते पे बैम्बू ग्रुप पे जा रहे थे तब उन्होंने कुछ नोटिस किया. क्या नोटिस किया? कि एक घर दिखा उन्हें जो कि आधा बना हुआ था. इट वॉज अ हाफ बिल्ट हाउस. वॉट अ नाइस प्लेस टू प्ले हाइड एंड सीक, सेड दिशा. सो दिशा ने कहा,
सो दिशा सैड आफ्टर लुकिंग एट द हाउस शी सैड कि देखो कितनी अच्छी जगह है यहाँ, तो हम छुपा छुपी खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक मीन्स छुपा छुपी। सैड दिशा हु वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज एज अथर्व, और दिशा जो है वो अथर्व के बराबर की थी, उसकी भी एज उतनी ही रही होगी। लेट्स प्ले हेयर एंड नॉट गो टू बैम्बू ग्रूव, और उसने उनको सजेस्ट किया कि चलो हम सब यहाँ खेलते हैं और बैम्बू ग्रूव जाने का प्लान ड्रॉप करते हैं और इस हाफ बिल्ट हाउस पर जाके हाइड एंड सीख खेलते हैं। बट वॉट इफ वी सी मैड डॉग्स केयर, सेड नेहा जोकिंगली। लेकिन नेहा ने उसको उससे मजाक करते हुए कहा कि क्या अगर वहाँ पर कोई पागल कुत्ते मिल गए हमें तो हम क्या करेंगे। देन ओनली दिशा एंड आई विल गो इन फर्स्ट, वी विल सी इफ इट इज सेफ टू प्ले देयर, सेड अथर्वा। अथर्वा ने कहा कि फिर एक काम करते हैं, अंदर सिर्फ मैं और दिशा जाएंगे, हम लोग चेक करके आएंगे और उसके बाद में हम देख लेंगे कि ये जगह हमारे खेलने के लिए सेफ है कि नहीं है। नेहा ध्रुव एंड देव वर ईगर फॉर एन एडवेंचर। सो नेहा ध्रुव एंड देव दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गो इन साइड, बट एज अथर्व टोल्ड, सो जो भी अथर्व बोलता था वही होता था, तो उन्हें वेट करना पड़ा, लेकिन वो भी तैयार थे एडवेंचर के लिए। दे वेटेड एट अ डिस्टेंस फॉर द टू ओल्डर चिल्ड्रन टू गिव द साइन दैट ऑल ऑफ वॉज फाइन। सो वो कुछ दूरी पर खड़े होके वहाँ वेट करने लग गए ताकि वो जो बड़े बच्चे उनके बड़े भाई बहन अंदर गए हैं तो वो उन्हें कुछ साइन दे कि सब सही है और वो अंदर आ जाएं। मिनट्स पास्ट, और लेकिन कुछ मिनट्स बीत गए। द थ्री वेटिंग आउटसाइड वर गेटिंग इम्पेशेंट, जो तीन बाहर वेट कर रहे थे वो बड़े ही बेसब्र हो रहे थे, उनसे रहा नहीं जा रहा था, वो सोच रहे थे इतना टाइम क्यों लग रहा है। दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड आउट फॉर देम सेल्व्स वॉट वॉज हैपनिंग, और वो चाह रहे थे, उनसे रुका नहीं जा रहा था, तो वो सोच रहे थे कि इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, तो वो चाहते थे कि वो खुद अंदर जाएं और चेक करें कि अंदर क्या हो रहा है। जस्ट देन अथर्व एंड दिशा केम रनिंग बैक, तभी उन्होंने देखा कि दिशा और जो अथर्व है वो अंदर से भागते हुए आ रहे हैं। क्विक लेट्स गेट बैक टू ग्रैंडमास हाउस एट वंस, सेड अथर्व। अथर्व ने कहा कि जल्दी करो, चलो हम ग्रैंडमा के हाउस मतलब अपने घर वापस ग्रैंडमा के पास चलते हैं। वी मस्ट टेल डैड राइट अवे व्हाट वी सॉ, सेड दिशा। दिशा ने कहा कि हमें फटाफट अपने पापा को बता देना चाहिए जो भी हमने अंदर देखा। एंड व्हाट डिड यू सी, आस्क देव क्यूरियस टू नो व्हाट हैड हैपन इन द हाफ बिल्ट हाउस। और देव ये लोग सोचते ही रहेगी कि अंदर क्या हुआ होगा, तो वो पूछने लग गया कि अंदर हुआ क्या, हमें भी तो बताओ। When the children reached Grandma's house, they were surprised to find Disha's father, Inspector Chitney, is already there. जब वो बच्चे अपनी दादी के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके जो फादर हैं वो ऑलरेडी दिशा के जो फादर है वो ऑलरेडी वहाँ थे, जो कि इंस्पेक्टर थे, और वो वहाँ पर उनका मतलब वहीं पर आए हुए थे। डैड डैड, सेड दिशा एक्साइटेडली, यू विल नेवर गेस वॉट वी डिस्कवर। डू यू रिमेंबर दोज पिक्चर्स ऑफ द थ्री वॉन्टेड क्रिमिनल्स डैट वी हैव सीन इन योर ऑफिस, दोज थ्री मैन आर हेयर। सो दिशा जो है ये बहुत ही उत्सुक थी अपने पापा को बताने के लिए, शी वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड। सो उसने अपने पापा से कहा कि क्या आप, यू विल नेवर गेस वॉट वी डिस्कवर्ड, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि हमने क्या देखा, क्या पाया वहाँ पर जाके। क्या आपको याद है कि डू यू रिमेंबर दोज पिक्चर्स ऑफ द थ्री वॉन्टेड क्रिमिनल्स दैट वी हैव सीन इन योर ऑफिस। तो वो कह रही है कि क्या आपको याद है कि आपने ऑफिस में थ्री क्रिमिनल्स की पिक्चर्स लगा रखी थी और वहाँ लिख रखा था वॉन्टेड, दोज थ्री मैन आर हियर, वो तीन जो आदमी हैं वो यहीं पर हैं। दे आर इन दैट हाफ बिल्ट हाउस, अथर्व एंड आई सॉ द मैन इन बैक रूम, और वो लोग उस हाफ बिल्ट हाउस में हैं और अथर्व और मैंने उन दोनों को, उन तीनों को वहां देखा है। नेक्स्ट पेज, यस दोज मैन ऑल्सो सॉ अस बट वी हिड बिहाइंड टू एम्प्टी ड्रम्स, सेड अथर्व। अथर्व ने कहा कि हाँ उन आदमियों ने भी हमें देख लिया है, लेकिन फिर भी हम दो खाली जो ड्रम्स थी उनके पीछे हम लोग छुप गए। एंड वन मैन सेड टू अदर्स, ओ इट जस्ट अ कैट समवेयर। जब उन्होंने उस अथर्व और दिशा को वहाँ देखा तो एक आदमी को लगा कि कोई है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं कोई एक बिल्ली होगी, कोई नहीं है यहाँ पर। द टू चिल्ड्रेन,
द टू चिल्ड्रन लाफ्ड, और जो दोनों बच्चे हैं वो हंसने लग गए. बट दैट वॉज डेंजरस चिल्ड्रन, ग्रैंड मा क्राइड आउट इन अलार्म. लेकिन ग्रैंड मा ने जब उनकी बात सुनी तो कहा कि बेटा ये तो बहुत ही खतरनाक था कि तुम उनसे मिलकर आए हो या उन्हें देख कर आए हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो. ओ ग्रैंड मा बट दे हैड एन एडवेंचर, सेड देव. और देव कह रहा था अरे ग्रैंड मा दे हैड एन एडवेंचर एंड वी वर स्टैंडिंग, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड दैट ही डिडंट सॉ दोज मैन. सो ही वॉज रिग्रेट कर रहा था कि ये दोनों तो एडवेंचर कराए बट हम लोग रह गए. वी हैड फीलिंग दैट दोज क्रूक्स वर समवेयर अराउंड हेयर, सेड दैट. दैट्स वाई आई ड्रोव डाउन टू द फार्म. आई मस्ट कॉल हेड क्वार्टर्स एंड आस्क देम टू सेंड अ पेट्रोल टीम एट वंस. यू डिड द राइट थिंग चिल्ड्रन, वेल डन. वी हैड फीलिंग दैट दोज क्रूक्स वर समवेयर हेयर अराउंड हेयर. तो उसके दिशा के फादर ने कहा कि हमें ये लग ही रहा था कि वो जो तीनों बदमाश है वो यहाँ यहीं कहीं पर है, हमें खबर मिल चुकी थी. दैट्स वाई आई ड्रोव डाउन द फार्म, इसलिए मैं फार्म पर यहाँ पर आ गया. आई मस्ट कॉल हेड क्वार्टर्स इन आस्क देम टू सी सेंड अ पेट्रोल टीम एट वंस. तो वो कह रहा है कि अब मुझे तुरंत ही हेड क्वार्टर्स में फ़ोन करना चाहिए और अपनी जो पूरी टीम है उसको बुला लेना चाहिए. यू डिड द राइट थिंग चिल्ड्रन, वेल डन. और उसके पापा जो हैं दिशा के वो बहुत खुश हुए कि तुमने ये सही काम किया, ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा काम किया तुमने, शाबाशी दी उन्हें. अ लिटिल लेटर द पुलिस पेट्रोल अराइव्ड. अथर्व एंड दिशा आस्क्ड इफ दे कुड अकंपनी द ऑफिसर्स. और थोड़ी देर में जो टीम थी पुलिस की वो वहाँ पर आ गई. अथर्व और दिशा ने कहा कि क्या हम लोग भी आपके साथ चल सकते हैं. अकंपनी मीन्स टू गो अलोंग. द ऑफिसर्स सेड दे कुड गो ओनली इफ दे प्रोमिस टू बी ओबीडियंट. ऑफिसर्स ने कहा कि हाँ तुम साथ में तो चल सकते हो लेकिन तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, हमसे बिना पूछे तुम कुछ नहीं करोगे. द टू चिल्ड्रेन ईगरली अकम्पेन्ड द पुलिसमैन टू द हाफ बिल्ट हाउस. और वो दोनों बच्चे पुलिसमैन के साथ में हाफ बिल्ट हाउस की ओर चले गए. वेरी क्वाइटली द फोर पुलिसमैन एंड द चिल्ड्रेन अप्रोच द रूम. और धीरे धीरे वो रूम की तरफ आगे बढ़े. अप्रोच करना मीन्स टू मूव फॉरवर्ड टू समथिंग, टूवर्ड समथिंग. सो वेरी क्वाइटली द फोर पुलिसमैन, तो वो चारों जो पुलिसमैन हैं और वो दोनों बच्चे हाफ बिल्ट हाउस की तरफ आगे बढ़े. देन क्विक एज लाइटनिंग द पुलिस स्टॉर्म्ड इनटू द रूम एंड गॉट होल्ड ऑफ द थ्री क्रूक्स एंड हैंडकफ देम. देन क्विक एज लाइटनिंग मतलब, और फिर बिजली की रफ्तार के साथ ही वो सारे जो पुलिस हैं स्टॉर्म्ड इनटू द रूम. इट मीन्स दे एंटर्ड द रूम. अचानक वो रूम के अंदर फटाफट वो उसके अंदर घुसे. एंड गॉट होल्ड ऑफ द थ्री क्रूक्स एंड हैंडकफ देम. और उन जो तीन कल्प्रिट थे उन तीनों को उन्होंने पकड़ लिया एंड हैंडकफ देम. हैंडकफ मीन्स हथकड़ी पहना दी. मोर ऑफिसर्स अराइव्ड एंड द क्रूक्स वर टेकन अवे. और फिर बहुत सारे और भी ऑफिसर्स आ गए और जो क्रूक्स हैं कल्प्रिट्स हैं जो डाकू चोर जो थे उन्हें पकड़ लिया गया. द चीफ ऑफिसर वॉज वेरी प्लीज, गुड वर्क चिल्ड्रन ही सेड. और जो चीफ ऑफिसर था जो हेड था पुलिस का उसने बच्चों को शाबाशी दी और कहा कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है इन चोरों को पकड़वा कर. यू आर वेरी ब्रेव सेड डैड. और उनके पापा ने कहा कि तुम दोनों बहुत ही ब्रेव हो, बहुत ही बहादुर हो. तो देखा आपने किस तरह से इन दो बच्चों ने इतने बड़े डाकू या चोर जो थे उनको पकड़ा दिया. तो स्टूडेंट्स हमें भी हमेशा कैसी भी सिचुएशन हो उसमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए. अगर वो वहीं डर जाते तो क्या पता वो चोर उनके साथ में क्या करते. लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखाई और बड़े स्ट्रांग तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल किया और उन्हें पकड़वाया. ओके सो स्टूडेंट्स वी शुड बी स्ट्रांग एंड अलर्ट एवरी टाइम. ओके सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रीड दिस चैप्टर एंड वेर एवर देर आर डिफिकल्ट वर्ड्स यू अंडरलाइन दैम एंड लर्न ऑल द spellings. Okay, so enjoy studying, keep learning. Thank you and have a nice day.